जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों मैं चाहता हूं और आप भी यही बात चाहते हो, तो जब आप फौज छोड़ो तो आपकी बेसिक पे करेक्ट होनी चाहिए। ज्यादा आपको कोई देगा नहीं, ज्यादा आप ले भी रहे हो तो जरूर काट देगा, और कम है तो ज्यादा अपनी मर्जी से कोई दोस्त करता भी नहीं है। हमेशा जब बंदा रिटायर जाता है तो उसका 3 महीने पहले जो IRLA है, इंडिविजुअल रिजर्व अकाउंट है, उसको पूरा ऑडिट होता है, और उस ऑडिट में यदि आप पैसा कहीं भी ज्यादा लिया है तो वो पैसा काट देंगे और आपके FSA में पता चलेगा फाइनली आपको। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि मैं चाहता हूं कि हर जवान जैसे भी पेंशन जाता है उसका यदि कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा है उसके लिए वो पक्का सेटल करे, और एक बार कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी कैजुअल्टी पब्लिश हुई है और उसका पैसा नहीं मिला है, आप रैंडमली एक ऑब्जर्वेशन इस फॉर्मेट के जरिए भेज दें। बाय द वे आपका एक इंक्रीमेंट मिस करता है, आप एक इंक्रीमेंट मान लो 40,000 पे लेते हो 1200 रुपए का, 3600 रुपए का एक इंक्रीमेंट मिस करते हो तो सीधा आप 600 रुपए पेंशन में चला जाता है। वो 600 पे DA लगा लो, 100-150 रुपए 750, 12×84 8500 एक साल का। आप 50 साल पेंशन लेते हो, आप देख लीजिए कितना बड़ा लाखों का नुकसान करते हो, और उसी आधार के ऊपर आपकी लीव इनकैसमेंट है, ग्रेच्युटी है, कमोडेशन है, जो भी मिलने वाले अमाउंट है वो आपको इफेक्ट करता है। यानी मैं कह सकता हूं कि एक इंक्रीमेंट 5 से 6 लाख तक आपको इफेक्ट करता है। दोस्तों ये जरूर है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। इसके लिए आपने, जैसे मैं बात करता हूं, आप एक आर्मी ऑर्डर 3280 अपेंडिक्स अल्फा के मुताबिक आप अपनी ऑब्जर्वेशन रेज कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं। आप खुद भी टाइप कर सकते हो, नहीं तो ऑफिस में जाके कि ऑब्जर्वेशन ऑन प्रमोशन इंक्रीमेंट इन रेस्पेक्टिव ऑफ आपका नंबर, रैंक, नेम और यूनिट, इसमें डाल सकते हो। सीरियल नंबर 1 ऑब्जर्वेशन अमाउंट, अथॉरिटी क्या है और रिमार्क्स क्या है, इस तरह होता है टेबल। भरते क्या है अल्फा में, इट इज इंटीमेट दैट नंबर रैंक एंड नेम हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ हवलदार डेट एंड सो एंड सो एंड सेम बाज पब्लिश्ड वाइड पार्ट ऑर्डर नंबर, यानी मेरा नाम रैंक ये है और मैं, मेरा इस रैंक में मेरा प्रमोशन हुआ है, चाहे वो हवलदार है, नायब सूबेदार है या नीचे भी है, और उसका पार्ट ऑर्डर नंबर आपने लिख दिया। हाउएवर द NCO हैज नॉट बीन ग्रांटेड प्रमोशन इंक्रीमेंट ऑन दिस प्रमोशन, कॉपी ऑफ पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अटैच फॉर योर रेफरेंस। भैया मेरा ये एडजस्ट नहीं हुआ है और पे स्लिप में नहीं आया, रेफरेंस के लिए मैं पे स्लिप अटैच कर रहा हूं। 40 में लिख दो, इन व्यू द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू द चेक IRLA इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट एंड क्रेडिट द प्रमोशन इंक्रीमेंट एट द अर्लिएस्ट प्लीज। मेरा IRLA चेक करिए और उसमें ये इंक्रीमेंट लगा के मेरे तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अथॉरिटी में आप पे स्लिप की कॉपी अटैच कर दीजिए और सिग्नेचर ऑफ द क्लेमेंट्स, आपने सिग्नेचर नीचे काउंटर साइन, आपका स्टाफ अफसर आपका नीचे साइन करेगा। दोस्तों ये बनाने में पेंशन जाने से पहले आपने एक बार हर एक व्यक्ति ने देना है, बीच में भी दे सकते हो आप चेक करने के लिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस रिमार्क में आपको रिमार्क लग के जरूर आता है अकाउंट अफसर का। दोस्तों मेरे पास बहुत से ऐसे सारे फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा सकता हूं। सपोज करो मैं भी अभी तक रखा है कि जब मैं रिटायर आया था, मैंने, मुझे लगा मेरा एक इंक्रीमेंट कम है, मैंने आपके सामने ये ऑब्जर्वेशन रेज की, पूरी प्रॉपर रेज करके कवरिंग लेटर वहां से भिजवाया सीधा आपका PAOOR, जैसे मेरा RT है तो मैंने RT भिजवाया, कहां से भिजवाया, नॉन रिसीव्ड ऑफ प्रमोशन इंक्रीमेंट रेस्पेक्ट ऑफ सो एंड सो, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेटल द अबव ऑब्जर्वेशन एज पर अपेंडिक्स अल्फा आर्मी ऑर्डर 3280 एंड क्रेडिट द अमाउंट ऑफ द इंडिविजुअल इज IRLA एट द अर्लिएस्ट प्लीज, स्टाफ अफसर के साइन, यानी कवरिंग लेटर और आर्मी ऑर्डर 3280 में आपकी ऑब्जर्वेशन भेजिए। इसका जवाब पक्का आता है, इसका जवाब इस रिमार्क में लिख के आएगा, जो भी जवाब बनता है वो यहां लिख करके आपको देंगे कि नहीं आपका सही है या एडजस्ट कर देंगे या और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए वो देना। ये मैंने बोला बहुत इंश्योर करने की बात है, ये फौज में छोड़ने के बाद रिलाई होता है कि मेरी तनख्वाह इतनी आ रही, मेरे जो साथ वाला उसकी ज्यादा आ रही है, अब मैं क्या करूं। उसके लिए भी आप कंपैरिजन स्टेटमेंट दे सकते हो, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। पहले अपनी चीजों को चेक करना आपका राइट बनता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन सबको मिल सके। यदि किसी को इसमें जरा सा भी संदेह लगता है तो आप मेरे नंबर पर बात सकते हो, प्लीज व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक यू दोस्तों।